Hello students, you are most welcome in online classes. Today we will discuss about the ailing planet, the green moment's role. यानी कि एक अस्वस्थ ग्रह के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रति जो हरित आंदोलन हुआ था उसकी क्या भूमिका रही थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. The following article was written by नाना पालकीवाला. ये जो लेख लिखा गया है वो नाना पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था एंड पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994 और एक इंडियन एक्सप्रेस नामक न्यूज़पेपर में इसे 24 नवंबर 1994 को प्रकाशित किया गया था. द इश्यूज दैट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यूइंग टू हैव रिलीवेंस. इन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो था पृथ्वी के गिरते हुए हेल्थ के बारे में जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली. किसी को भी संसार के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन याद नहीं होगा जिन्होंने पूरी तरह से पूरी मानव जाति की कल्पना को जकड़ के रख दिया हो. So rapidly as the green movement, जैसा कि हरित आंदोलन ने किया था, which started nearly 25 years ago, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था. In 1972, the world first nationwide green party was founded in New Zealand. 1972 में संसार पहली हरित क्रांति दल की स्थापना न्यूजीलैंड में 1972 में की गई. सिंस देन तब से द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक. तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़के नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड वन हॉप इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिकिस्ट व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हम आशा करते हैं और हमने अपने विचारों को यांत्रिकी से हटाकर एक सार्वभौमिक इकोलॉजिक व्यू मीन्स परितंत्रीय बना लिया है. वी हैव शिफ्टेड वन हाफ इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिकिस्ट व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड. हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण मैकेनिस्टिक मीन्स यांत्रिकी से हटाकर किस प्रकार का कर लिया है? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू यानी कि भूगर्भीय बना लिया है. इट इज ए शिफ्ट इन ए ह्यूमन परसेप्शन. यह मनुष्य की सोच में एक बदलाव है. और कैसा बदलाव है? एक क्रांतिकारी बदलाव है. एज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 60th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. यह एक क्रांतिकारी बदलाव है कि जितना क्रांतिकारी बदलाव इतना कि कोपरनिकस से मानव जाति को 16वीं शताब्दी में यह सिखा दिया था कि पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन यानी कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस एक मानव चेतना बढ़ रही है डेट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि पृथ्वी भी अपने आप में एक जीवित संगठन है एन एनॉर्मस बींग ऑफ विच वी आर पार्ट्स और जिस पर हम सभी रह रहे हैं. इट हैज इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स इसकी अपनी एक आवश्यकताएं हैं एंड वाइटल प्रोसेस और अपनी प्रक्रियाएं हैं विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व जिनकी हमें सम्मान करने की और सुरक्षित रखने की जरूरत है द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्ड अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. पृथ्वी का निरंतर गिरता हुआ स्वास्थ्य ये संकेत देता है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ प्लेनेट एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन. वी हैव बिगन टू रियलाइज यानी कि हमने महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमारी नैतिक इथिकल यानी कि नैतिक उत्तरदायित्व क्या है टू ए गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लेनेट इस ग्रह के अच्छा प्रबंधक बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन और भावी पीढ़ियों का संरक्षण करने के लिए हमारी उत्तरदायित्व क्या है. द अर्थ वाइटल साइंस रिवील द पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ यानी पृथ्वी का निरंतर गिरता हुआ स्वास्थ्य यह प्रदर्शित करता है यानी कि दिखलाता है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स एंड प्लेनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन यानी कि हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हमारे जो एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं यानी कि जो हमारे नैतिक उत्तरदायित्व हैं वो क्या हैं एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए जिससे हम इस ग्रह के एक अच्छा प्रबंधक बन सकें. रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी ऑफ टू फ्यूचर जनरेशन और हम भावी पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में अपने नैतिक कर्तव्य को समझ सकें
ये हमने अब शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? इस ग्रह के नीति शास्त्र संबंधी एक अच्छा प्रबंधक कैसे बनाया जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है, भावी पीढ़ी है, भावी जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, उसका हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कैसे अपने कर्तव्यों को निभा सकें। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर प्रयास का यह विचार, वॉज पॉपुलाइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने इसे लोकप्रिय बना दिया था। किसका विचार? निरंतर विकास का विचार। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइन द आइडिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक विचार को परिभाषित किया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि ऐसा विकास होना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता से कंप्रोमाइज किए बिना उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन, और भावी पीढ़ियों को जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलने वाली हैं उनको बिना समाप्त किए बिना हमारी आज की आवश्यकताओं को और भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जो हमारी आवश्यकताएं हैं। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, लुसाका के एक जू में देयर इज अ केज, एक पिंजरा रखा हुआ है, वेयर द नोटिस रीड्स, द नोटिस कुछ लिखा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, संसार का सबसे खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, लेकिन हम पिंजरे के अंदर देखते हैं तो कोई भी जानवर नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, लेकिन एक मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, जहां आप उसमें अपने आप को देख सकते हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज, मैं विभिन्न देशों की एजेंसियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल, जिन्होंने एक नई चेतना शुरू कर दी है इस खतरनाक जानवर के बारे में। ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम प्रभुत्व संपन्न सिस्टम यानी कि प्रणाली को छोड़कर किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाएं, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी की व्यवस्था को अपनाएं, यानी कि इसमें डोमिनेशन को छोड़कर, जो इसमें किसी जिसमें एक ही व्यक्ति का शासन होता है उसको छोड़कर हम आपस में पार्टनरशिप करें, इस प्रकार की हम व्यवस्था को अपनाएं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, यानी कि वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख सजीव प्रजातियों की सूची तैयार कर ली है, विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिसके साथ मनुष्य इस धरती पर रह रहा है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स आर स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, और ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनको अभी तक कोई भी कैटालॉग यानी कि जिनकी सूची अभी तक तैयार नहीं की जा सकी है, उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकी है। बायोलॉजिस्ट रेकॉन यानी कि जीव शास्त्रियों का अनुमान है दैट अबाउट 300 million एंड अदर लिविंग स्पीसीज लैंग्विस्ट आर नेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, यानी कि जीव शास्त्रियों के अनुमान के अनुसार 30 लाख से 1 अरब तक ऐसी प्रजातियां हैं जो अब भी इग्नोमिनियस डार्कनेस यानी कि बदनामी के अंधेरे में बिना नाम के, लैंग्विस्ट मीन्स अननेम्ड, बिना नाम के तड़प रही हैं। वन ऑफ द ओनली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच डील्ड इंटर एलिया With the questions of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. Al Kacher. Brundt Ayog, यानी कौन सा आयोग था? Brundt Ayog. Brundt Ayog के जिसके सदस्य एक सम्मानित भारतीय सदस्य थे Mr. Al Kacher. उन प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक था, यानी कि जो Brundtland Commission था, एक उन अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक आयोग था जिन्होंने आंतरिक मामलों के अतिरिक्त क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, परिस्थिति और पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया, जिसके सदस्य एक सम्मानित भारतीय मिस्टर एल के झा थे। किसके सदस्य थे? ब्रांडेड कमीशन थे, और इंटरनेशनल कमीशनों में से एक कमीशन था जिसने परिस्थितिकीय और पर्यावरण के प्रश्नों पर विचार किया। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, प्रथम ब्रांड रिपोर्ट में यह क्वेश्चन उठाया गया, और वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए सोर्स प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेंजर्स, क्या हम आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए
बढ़ते हुए रेगिस्तान छोड़ के जाएंगे, इम्पावरिस्ट लैंडस्केप्स, कमजोर भूमि छोड़ के जाएंगे एंड द एलिंग एनवायरमेंट, और एक जला बना हुआ या फिर बीमार एनवायरमेंट छोड़ के जाएंगे। कैसा एनवायरमेंट? बढ़ते हुए मरुस्थल, कमजोर हो चुकी भूमि, बीमार पर्यावरण और जला बना हुआ ग्रह। मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, श्रीमान लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचार पर पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उनकी बुक का नाम है क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में पॉइंट्स आउट, यानी कि यह ध्यान दिया कि द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, यानी पृथ्वी की चार जैविक प्रणालियां हैं। बायोलॉजिकल मीन्स जैविक, सिस्टम मीन्स प्रणालियां हैं। कौन कौन सी हैं? फिशरीज यानी मत्स्य क्षेत्र, फॉरेस्ट यानी कि जंगल या वन, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान एंड द क्रॉपलैंड्स, और जिन पर फसल उगाई जाती है वो मैदान, वो भूमि, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये सभी क्या करते हैं, फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड्स, यानी कि ये भोजन, हम भोजन प्रोवाइड करने के साथ साथ दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स, ये चारों जैविक प्रणालियां हमें कच्चा माल प्रदान करती हैं फोर इंडस्ट्री उद्योगों के लिए। एक्सपेक्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम रैव सिंथेसिस, यानी कि खनिजों और पेट्रोलियम आदि से बने कृत्रिम उत्पादों को छोड़कर, किसको छोड़कर, मिनरल्स और पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम और खनिज आदि से बने कृत्रिम उत्पादों को छोड़कर क्या प्रोवाइड करती हैं, ये कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इनकी संसार के बड़े भागों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि मनुष्य का इन प्रणालियों पर दावा है, ये है कि हम किस स्तर तक पहुंच गए हैं, अनसस्टेनेबल लेवल, यानी कि हम विनाशकारी स्तर तक पहुंच गए हैं, ए पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी बीइंग एम्पेयर्ड, और एक वहां एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां से हमारी प्रतिरोध क्षमता समाप्त होना यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्षीण होना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, जो मत्स्य क्षेत्र हैं वो ढह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल समाप्त हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान होते हैं वो बंजर भूमियों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्रॉपलैंड्स डिस्ट्रॉयड, और जो कृषि वाली भूमि है वो उनकी उत्पादक क्षमता क्षीण हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ऑन अ प्रोटीन कंसियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा संसार जो प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है, ज्यादा उपयोग करता है, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, वहां मछली पालन करना एक आम बात है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बींग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर वुड फॉर कुकिंग, यानी कि लोकल जंगलों को ईंधन के लिए रोटी पकाने के लिए जो ईंधन होता है उसके लिए काटा जा रहा है। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, ईंधन इतना महंगा हो गया है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी कि जो बर्तन के अंदर पकाया जा रहा है उससे ज्यादा कीमत वहां के जलाने वाले ईंधन की हो गई है। सी, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, डॉक्टर मेयर के शब्दों में उन्होंने बताया कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है, यानी कि क्रमिक विकास के शक्ति के स्रोत हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, उनके विनाश से कई प्रजातियां लुप्त होने का सामना कर रही है। इट हैज बीन वेल सेड, यानी कि ये सही कहा गया, द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, जंग यानी कि मनुष्य के आने से पहले क्या होते हैं, जंगली जंगल थे, डेजर्ट्स फॉल, उसके बाद रेगिस्तान बनते चले गए। द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 टू 50 मिलियन एकड़ आ ईयर, उष्णकटिबंधीय यानी कि वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वनों की हमारी पैतृक संपदा इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 टू 50 मिलियन, कि अब 4 या 5 करोड़ एकड़ प्रति वर्ष की दर से लुप्त हो रही है, क्या हो रही है, इरोड मींस लुप्त हो रही है, घटती जा रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ उपयोग, डिप्राइव द सोयल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स,
यह हमारी भूमि को प्राकृतिक खाद देने से रोकता है, उसको उनको प्राकृतिक खाद नहीं मिल जाता। क्यों नहीं मिलता है? जिससे क्योंकि गोबर का ज्यादा मात्रा में जलाने के लिए एक ईंधन के रूप में यूज हो रहा है। The World Bank estimates that fivefold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. विश्व बैंक के अनुसार वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट्स द फाइवफोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, कि हमें पांच गुना पेड़ लगाने की जरूरत है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन द 2000 ईयर। 2000 में ईंधन की एस्टीमेटेड यानी अनुमानित लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें पांच गुना पेड़ लगाने की जरूरत है। जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी कि विश्व संसाधन संस्थान के अध्यक्ष जेम्स स्मिथ ने कहा था, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर ए सेकंड, कि हम एक सेकंड में एक एकड़ फॉरेस्ट को खो रहे हैं। प्रति सेकंड हम कितने जमीन को खो रहे हैं? एक एकड़ जमीन को खो रहे हैं। बट इट इज मोर मच क्लोजर टू एन एकर एंड ए हाफ टू सेकंड, लेकिन ये तो एक एकड़ से कहीं ज्यादा है, यानी कि डेढ़ एकड़ से भी कहीं ज्यादा है। पर सेकंड हम डेढ़ एकड़ फॉरेस्टों को समाप्त कर रहे हैं। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 48 के अनुसार, दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, यानी कि राज्य ही पर्यावरण को रक्षा करने और सुधारने के लिए जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड वाइड ऑफ द कंट्री, और संविधान ही हमारे देश के जंगली जानवरों और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार रहेगा और उसे प्रयास करेगा। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, बड़े दुख की बात यह है, इज द फैक्ट, सच्चाई ये है कि लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड और नॉट इन्फोर्स इन इंडिया, कि हमारे देश में कभी ना तो कानून का सम्मान किया जाता है, ना ही उसे सही तरीके से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस, एक उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान ये कहता है, डेट कास्टिज्म, कि जातिवाद, अनटचलेबिलिटी यानी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, शैल बी एबोलिश्ड, उनको समाप्त किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द कॉपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 44 वर्ष के बाद भी ये जो बॉन्डेड लेबर है, ये बंधुआ मजदूर हैं, वो बड़े शर्महीन तरीके से फल फूल रहे हैं। एन एंशियंट रिपोर्ट ऑफ द ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टीमेट्स, यानी कि हमारे संसदीय रिपोर्ट्स के आकलन के अनुसार, कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफ डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades, यानी कि जो ये हाईलाइट्स करती है, उसने प्रकाश डाला कि जो कैटास्ट्रोफ डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, यानी कि जिस तरीके से 4 युगों से, लास्ट यानी कि 4 decades से जंगलों का पतन किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ये इन्होंने बताया। रिसेंट रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी हैज हाइलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफ डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades, यानी कि संसदीय आकलन समिति पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी के अनुसार 40 वर्षों में, यानी कि 40 लास्ट 4 decades, यानी 40 वर्षों में जिस ढंग से कैटास्ट्रोफ डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, यानी कि हमारे देश के जंगलों को क्षति पहुंचाई जा रही है, यानी कि जो आकस्मिक ढंग से जो क्षति पहुंचाई जा रही है, उसको उजागर किया है कि जंगलों को, हमारे जो वन है, फॉरेस्ट हैं, उनको कितने हार्म हो चुका है, कितना क्षति पहुंच चुकी है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज गोइंग टू इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ आ ईयर। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत में 137 लाख एकड़ प्रति वर्ष समाप्त हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, यानी कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यानी भारत के विश्वसनीय डाटा के अनुसार, हम वनों को कितना खो रहे हैं? 37 लाख एकड़ प्रति ईयर हम अपने वनों को खोते हुए जा रहे हैं। लार्ज एरियाज, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र ऑफिशियली डिजिग्नेटेड, जिन्हें आधिकारिक रूप से फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जंगली भूमि बताया गया, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, यानी पहले से ही लगभग वृक्षहीन है,
An actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो सरकार ने आंकड़ा बनाया है उससे लगभग 8 गुना जंगलों को क्षति पहुंचाई जा रही है, यानी कि नुकसान पहुंचा है, जंगलों को काटा गया है। कितना गुना? एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एस्टिमेटेड अबाउट 8 times, यानी जितना कि गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि इतने दर से जंगलों को काटा जा रहा है, वनों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उससे कहीं 8 गुना अधिक है ये दर। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 साल के अध्ययन, 3 साल का जो अध्ययन सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों की सहायता से और एरियल फोटोग्राफी YVF फोटोग्राफी की सहायता से किया, वॉन्स दैट द एनवायरमेंट, ये वो चेतावनी देते हैं दैट द एनवायरमेंट है डिटोरेटेड सो बैडली, कि पर्यावरण का बहुत बुरी तरह से हास हुआ है, यानी कि नुकसान पहुंचा है। डेट इज द क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 countries इन्वेस्टिगेटेड, और जिन 88 देशों में यह जांच की गई थी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच की गई थी, उन देशों में, कई देशों में तो इसकी हालत और भी बुरी है। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या भविष्य की मानव समाज का भविष्य बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इट टुक mankind मोर देन 1 million years टू रीच फर्स्ट बिलियन, मानव समुदाय की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंचने में 10 साल से अधिक वर्ष लगे। कितने लगे? रीच टू द फर्स्ट बिलियन, मोर देन 1 million years रीच टू द फर्स्ट बिलियन, यानी कि 1 अरब तक पहुंचने में कितना समय लगा? 10 वर्ष, 10 लाख वर्ष से अधिक समय लगे। डेट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, विश्व की इतनी जनसंख्या वर्ष 1800 के आसपास थी। बाय द ईयर 1900 और 1900 के अंत में ए सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, इसमें 1 अरब और जनसंख्या बढ़ गई। एंड द 20th century और 20वीं शताब्दी में हैज एडेड अनदर 3.67 बिलियन, इसमें 3.7 अरब आबादी और बढ़ गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन और विश्व की वर्तमान जनसंख्या 5.7 अरब लगाई गई है, यानी कि अनुमान क्या है, विश्व की जनसंख्या 5.7 अरब है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 बिलियन, हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 लाख बढ़ जाती है।